फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं साउथ इंडियन फिल्म गब्बर सिंह की रेटिंग, डायरेक्टर की डिटेल्स, फिल्म के कास्ट और प्रोड्यूसर्स की डिटेल्स, फिल्म के बजट और कलेक्शंस की डिटेल्स, साथ ही फिल्म के जो अवार्ड्स हैं, ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों में से ही किसी एक रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है गणेश। चलिए शुरू करते हैं। तो गब्बर सिंह बॉक्स ऑफिस पर 11 मई 2012 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग मिली थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया था। इसके प्रोड्यूसर है बंदला गणेश। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। तो इसमें पवन कल्याण और श्रुति हसन लीड रोल में नजर आए थे। अब आते हैं बजट और कलेक्शंस पर। तो फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपीस का। रही बात कलेक्शंस की, तो फिल्म ने इंडिया में 120 करोड़ रुपीस की कलेक्शन की थी और वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ की कलेक्शन की थी। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि गब्बर सिंह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब ये जो मूवी है ये सलमान खान की फिल्म दबंग जो आई थी 2010 में, ये फिल्म उसी का रीमेक है। और 2016 में इस फिल्म का एक रीमेक सीक्वल आया था जिसका नाम था सरदार गब्बर सिंह। तो अब आप करते हैं फिल्म के अवार्ड्स की बात, कलेक्शंस की बात हो गई। तो इस फिल्म को टोटल 34 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और उसमें से फिल्म को 24 अवार्ड्स मिले थे, जो बहुत ही कमाल की बात है। 34 अवार्ड्स में से 24 अवार्ड्स मिले थे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अवार्ड्स की डिटेल शेयर करना चाहूंगा, सभी नहीं। तो इस फिल्म के लिए पवन कल्याण को अलग अलग अवार्ड्स कैटेगरी में बेस्ट एक्टर के 4 अवार्ड्स मिले थे और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में 2 बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिले थे, जो थे हरीश शंकर, और श्रुति हसन को 1 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो चलिए ये हो गई अवार्ड्स की बात। इस फिल्म में टोटल 6 गाने थे और सभी गानों को कंपोज किया था देवीश्री प्रसाद जी ने, और देवीश्री प्रसाद जी को इस फिल्म के लिए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ कंपोजर उनको भी इस मूवी के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।